छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव डोंगरगढ़ की धर्मनगरी में अब तक जमीन से संबंधित जो भी घोटाले हुए वो भूमाफियाओं द्वारा किए गए, लेकिन इस बार शहरी क्षेत्र में जो घोटाला हुआ वह किसी भूमाफिया ने नहीं बल्कि एक समाचार पत्र के कथित पत्रकार विलास जांभुलकर ने किया है। वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 27 करोड़ रुपए का। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू सीट क्रमांक 1 के भूखंड क्रमांक 405 में, जिसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग फुट है, इसे कूटर चना कर विलास जांभुलकर ने स्वयं व परिवार के नाम पर दर्ज कराया है, जिसके आधार पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यालय, वन परिक्षेत्र का उत्पादन का जांच नाका एवं नया पुराना कार्यालय सहित आसपास की सारी जमीनों को स्वयं की स्वामित्व की भूमि बताकर वन परिक्षेत्र उत्पादन का पुराना कार्यालय की खाली करवाकर विलास जांभुलकर ने वहां पर अपना प्रेस कार्यालय बना लिया और इसी के बाजू की जमीन को एक सरकारी कर्मचारी को कई लाख रुपए में बेच दिया, वह भी बिना रजिस्ट्री के। अब लगभग एक साल बीतने जा रहे उक्त सरकारी कर्मचारी के पास केवल एग्रीमेंट का आश्वासन है, पर उक्त भूमि की रजिस्ट्री आज पर्यंत विलास जांभुलकर ने नहीं कराई है, क्योंकि उक्त भूमि पर विलास जांभुलकर का ही स्वामित्व नहीं है, तो वह उक्त कर सरकारी कर्मचारी को स्वामित्व कहां से देगा। इधर विलास जांभुलकर द्वारा किए गए जमीनी फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद उक्त सरकारी कर्मचारी असमंजस में है कि आखिर वर्षों की मेहनत की लाखों रुपए की कमाई से खरीदी हुई भूमि पर उसका स्वामित्व नहीं बल्कि वह भूमि नजूल भूमि है, क्योंकि उक्त सरकारी कर्मचारी ने उस भूमि पर लाखों रुपए की गाढ़ी कमाई खर्च कर अपने सपनों का आशियाना बनाया है। अब यदि शासन उक्त भूमि को अपने कब्जे में ले लेती है तो उक्त सरकारी कर्मचारी को उक्त भूमि से बेदखल न कर दे, या फिर शासन उन्हें उक्त भूमि का पट्टा भी दे देती है तो फिर भी उक्त सरकारी कर्मचारी विलास जांभुलकर के द्वारा ठगी का शिकार हो गए, क्योंकि उन्होंने बड़े अरमानों से रजिस्ट्री वाली भूमि समझकर उस भूमि की खरीदी की थी। अब या तो सभी जानते हैं कि रजिस्ट्री वाली जमीन और पट्टा वाली जमीन की कीमत में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं अमृत टांडिया वार्ड नंबर 22 का निवासी हूं और हमारे पिताजी पूर्वज यहां पर 100 साल से निवास कर रहे हैं। यह वार्ड नंबर 22 के अंतर्गत रविदास नगर हरिजन मोहल्ला है और ये फॉरेस्ट जो नाका है पुराने समय से जो था, जिसपे नवभारत कार्यालय अभी विलास जांभुलकर ने बनाया है, सुनने में आया है और साक्ष्य प्रमाणित से पता चला है, सूचना का अधिकार से बताया आवेदक आवेदनकर्ता शिकायतकर्ता प्रणय अग्रवाल जी ने, तभी हमको जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा ये सब मतलब गलत तरीके से मतलब जमीन को हथियाने का साजिश रचा जा रहा है, और वाकई में देखने से पता चला कि ऐसे स्टेप से हुआ है करके। ये समझ में नहीं आता क्या उनके दादा परदादा इस राजा इस रियासत के सल्तनत के वजीर थे या राजा थे, जो इनकी जमीन इतनी जमीन कैसे बढ़ जाएगी। रहने वाले अछौली के विलास कुमार जांभुलकर, जो अपने आप को नवभारत का प्रतिनिधि कहता है, और शायद मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि इसे यही काला पीला करने के लिए इसने मतलब पत्रकारिता जगत में कदम रखा है और पत्रकारों को बदनाम भी करने की साजिश मतलब इससे गरिमा भी धूमिल हो रही है। खसरा नंबर 405 5000 वर्ग फीट को, जिसे अधिकारियों के साठ गांठ से मिल करके इन्होंने 1,35,000 फीट बढ़ाकर फर्जी तरीके से मतलब अधिकारियों से साठ गांठ करके किया गया, सदस्यों के नाम में करवा लिया है। ये समझ से परे लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी भी प्रकार से रहने वाले अछोली की है तो डोंगरगढ़ में की जमीन कहाँ से आ जाएगी, यही बात है। ये जांच का विषय बनता है और इस पर जांच होनी चाहिए। मैं भी जो अभी वर्तमान में जो पेशा है, विगत पिछले 7-8 साल से पत्रकारिता जगत में हूँ, इसमें मैं अभी सुबह का प्रहरी और DNA न्यूज़ चैनल का संवाददाता हूँ और सुबह का प्रहरी प्रतिनिधि हूँ। मैं अधिकारी से गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस पर निष्पक्षतापूर्वक जांच करें और जो दोषी को जो दोषी है इसमें उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी वसूली भी की जाए। फर्जी तरीके से लोगों को बहलाया जा रहा है, मोटी रकम देने के एवज में मतलब बहला फुसला करके उनको शांत भी कराने का बात सुनने में आ रहा है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे में मेरा प्रशासन से अनुरोध है। मैं स्वयं इस वार्ड का निवासी हूँ और जागरूक पत्रकार हूँ। पत्रकार का काम है समाज को दर्पण दिखाना, सही गलत को बताना, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस मोहल्ले में रहने वाले जो हरिजन भाई लोग हैं, अदर कास्ट के भाई लोग हैं,
सभी है, सब कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको गुमराह करके इनसे उल्टा सीधा काम भी साइन वगैरह दस्तावेज वगैरह में लिया जा सकता है, इसका भी अंदेशा है। तो मैं ये सारी चीज़ को मतलब मोहल्ले वासियों के सामने, विलास कुमार जांबुलकर जो अपने आप को नवभारत का प्रतिनिधि कहता है, और शायद मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि इसी यही काला पीला करने के लिए इसने मतलब पत्रकारिता जगत में कदम रखा है, और पत्रकारों को बदनाम भी करने की साजिश मतलब इससे गरिमा भी धूमिल हो रही है। खसरा नंबर 405 5000 वर्ग फीट को जिसे अधिकारियों के साठ गांठ से मिल करके इन्होंने 135,000 फीट बढ़ाकर फर्जी तरीके से मतलब अधिकारियों से साठ गांठ करके किया गया, और पूरा मोहल्ला अपने नाम में बताता है, अपने परिवार के 6 सदस्यों के नाम में करवा लिया है। ये समस्या पर लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी भी प्रकार से रहने वाले अछोली की है तो डोंगरगढ़ में की जमीन कहाँ से आ जाएगी, यही बात है। ये जांच का विषय बनता है और इस पर जांच होनी चाहिए। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, राजनांदगांव छत्तीसगढ़।